का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के डेली के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की वीडियो ला सकें। तो चलिए आज का अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के अपडेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो सभी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो जो है भोसले हाउस से निकल चुकी है, और निकलते समय जो है भोसले हाउस के जितने भी लोग रहते हैं वो सारे जो है सभी को रोकते हैं, मना करते हैं घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन सभी जो है वो नहीं मानती है। और चूँकि मानेगी भी कैसे, क्योंकि उसके परिवार के जो मौत का जिम्मेदार है उसके घर में वो कैसे रह सकती है, इसलिए वो उस परिवार को छोड़ के जो है वो निकल चुकी है। और रात ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तो वहाँ पे वो जो है जाती है रास्ते में और देखती है कि एक स्मारक है, और इस स्मारक में जो है उसके आई बाबा की जो है वो फ़ोटो लगी हुई है। तो वहाँ पे वो थोड़ी देर बैठती है और पुराने यादों में जो है वो खो जाती है, और उसी बीच उसकी जो है वो आँख लग जाती है और वो थोड़ी देर के लिए जो सो जाती है। तभी वहाँ पे एक चोर आता है और देखता है कि बैग रखा हुआ है, तो उस बैग को लेके भागने की कोशिश करता है कि तभी सभी की आंखें खुल जाती है और उसके बाद उस चोर को जो है पीटने लगती है, मारने लगती है। तभी वो चोर जो है डर के भाग जाता है। उसके बाद जो है वो भोसले इंस्टीट्यूट के जो एक स्टाफ रहते हैं शुक्ला जी, उनके घर पे वो जाती है और रात में वहीं रहती है, और सुबह जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए निकलती है। एग्ज़ाम देने के लिए भोसले इंस्टीट्यूट पहुंचती है, और उसके बाद जो है वहाँ पे पहुंचने के बाद सभी लोगों को जो है क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्ज़ाम के लिए। फिर सभी लोग अपना जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, सभी लोग एग्ज़ाम देने लगते हैं। कुछ देर बाद जो है वहाँ पे एग्ज़ाम कंट्रोलर के कुछ लोग आते हैं, और आने के बाद एग्ज़ाम को बीच में ही रोकते हैं। रोकने के बाद बोलते हैं सभी लोगों को जो है असेंबली हॉल में ले जाने के लिए। वहाँ पे सभी लोग पहुँचने के बाद जो है वो तीन लोगों का नाम बोलते हैं, और उन तीन लोगों को जो है वो साइड में करके उनको पूछताछ की जाती है और बोला जाता है कि तुम लोगों ने जो है पेपर लीक किया है। तभी वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर जो है उन लोगों का पेपर जो है लाया जाता है, बैग लाया जाता है, जिस उस बैग से जब खोला जाता है तो उसमें वही पेपर निकलते हैं जो कि उस दिन एग्ज़ाम रहता है। तभी वो लोगों को पूछा जाता है कि ये पेपर कहाँ से मिला। तभी वो लोग जो है सभी का नाम ले लेते हैं और सभी को बोलते हैं कि इसी से हम लोगों ने खरीदा है, लेकिन सभी अपनी सफाई में बोलती है कि मैंने इन लोगों को नोट्स भेजा था, ना कि ये क्वेश्चन पेपर। फिर जो है वो पुलिस कुछ समझती नहीं, सुनती नहीं, और उसे जो है उठा के ले जाती है थाने। ले जाने के बाद वहाँ पे उसे 5 साल के लिए जो है बैन कर दिया जाता है एग्ज़ाम देने से कॉलेज से। और उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, वहाँ ईशान भी आता है आने के बाद उससे जो काफ़ी ज़्यादा वो झगड़ा करती है, गुस्सा भी करती है। दोस्तों, आने वाला अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।